एक महाभारत सीरीज आपके बीच लाइव है, जहां पे हम विश्व भूगोल के उन प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके भर्ती परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। कारण यह है कि यह एनसीईआरटी का जो सीरीज है, एनसीईआरटी की जो निचोड़ है, माने एनसीईआरटी के आधार पर जिन जिन प्रश्नों को आपके परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, उन उन प्रश्नों की सीरीज ई लर्निंग विद दुर्गेश पर मैं दुर्गेश आपके लिए निःशुल्क लाइव लेकर आया हूँ देसित राशित में, ताकि आप भी अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके, इस समाज में एक बेहतर स्थिति ला सके। पहला प्रश्न है, सुनहर जोड़ती है। ये काफी यूनिक प्रश्न है जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा कॉपी कलम लेकर। पहला प्रश्न है, सुनहर जोड़ती है, तो आपका उत्तर है तुरान और ओंटारियो, बंगाल और त्रिपुरा को, सुपीरियर मिशिगन, सुपीरियर और। जी हाँ, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करके बताएं। जी हाँ, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है आपका सुपीरियर और हारून को। आइए इसके बारे में और जानते हैं। सुनहर उत्तरी अमेरिका की दो बड़ी झीलों को जोड़ती है। किसको? उत्तरी अमेरिका की दो बड़ी झील को। पहला झील है सुपीरियर लेक, सुपीरियर लेक हारून। अन्य अगर झीलों की बात करें जैसे मिशिगन है, ईरी है और ओंटारियो है, तो मिशिगन झील केवल यूएसए में स्थित है, याद रखिएगा। अगर हम मिशिगन की बात करें, मिशिगन झील देखिए, क्योंकि आपके सिलेबस में महाद्वीप भी है, मिशिगन झील है। मिशिगन झील की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो यह है कि यह यूएसए में है। ये कहाँ पे है? यूएसए में है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें ईरी, ओरेंटिनो और आपके सामने हारून और सुपीरियर, ये सब कनाडा और अमेरिका के सीमा पर है। कहाँ पे हैं? कनाडा और अमेरिका के सीमा पे हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो डी होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। याद रखिएगा, सुनहर उत्तरी अमेरिका की दो बड़ी झीलों को जोड़ती है, सुपीरियर और हारून झील को। ठीक है, चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, उन सभी साथियों तक तो पहुंचाइएगा जो सरकारी नौकरी करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सी है? ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। गर्त को ट्रेंच कहते हैं, ट्रेंच को हम खाई कहते हैं। तो जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर देखा जाए नाटहन, चैलेंजर, मैनहट्टन, रिचार्ड्स, इन सभी के बारे में हम आपसे व्याख्या जरूर करेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले इस प्रश्न के बारे में बता दूं, इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो चैलेंजर ना। आइस के बारे में जानते हैं। यहां पे विश्व की सबसे गहरी जो गर्त है उसे क्या कहते हैं? मेरियाना गर्त। क्या कहते हैं उसे? हम कहते हैं, लिखना चाहे लिख लीजिएगा, मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना गर्त कहते हैं। ये कहां पर है? ये प्रशांत महासागर में, जो फिलीपींस की पूर्व में स्थित है। कहां पे है यह है? पहले इसकी लिख लें कितना गहरा है। इसकी गहराई है 11,033 मीटर। इसे ही चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। इसे हम चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। ये कहाँ पे है? ये प्रशांत महासागर में। ये कहाँ है? प्रशांत महासागर में। ठीक है कि मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है? प्रशांत महासागर में है यह गर्त। उत्तर दक्षिण दिशा में फैला हुआ है। तो जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में आजकल ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरियाना ट्रेंच को ही, मेरियाना गर्त को ही चैलेंजर गर्त के नाम से जाना जाता है। यह वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पर निःशुल्क लाइव आप ई लर्निंग विद दुर्गेश पर देख रहे हैं। चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी आपकी मर्जी। यह आपके सिलेक्शन के लिए क्लास चलाई जा रही है, आपके पाठ्यक्रम के आधार पर स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ये फिलीपींस के पास है, फिलीपींस के पूर्व में है। कहाँ पे? फिलीपींस के पूर्व में है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? डेटम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेटम रेखा क्या है? जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाएं और जवाब जरूर देंगे, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। अगर आपका सपोर्ट होगा, ये सीरीज वास्तव में आपकी कामयाबी की एक बेहतर सीरीज होगी, क्योंकि यह सीरीज उन प्रश्नों की सीरीज है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। समुद्र तल की क्षैतिज रेखा, जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है, प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों के मध्य, यह नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, यह नहीं होगी, कि 180 देशांतर रेखा को कहते हैं।
देशांतर रेखा को कहते हैं, ठीक है। काल्पनिक रेखा जो शून्य देशांतर पर जी नहीं उसे ग्रीनविच कहते हैं, ग्रीनविच रेखा कहते हैं। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर दो कट गया, तीन कट गया। अब आपको स्पष्ट हो गया कि इस प्रश्न का उत्तर ए सही है। समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप की जाती है, जी हाँ यह काफी यूनिक काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो परीक्षा में पूछा जाता है, मतलब इस प्रश्न का सही जवाब है। डेटम रेखा वह रेखा है जो पृथ्वी पर स्थित होती है जिसके सापेक्ष किसी ऊंचाई पर जाते हुए वस्तु की ऊंचाई अथवा गहराई की नाप की जाती है। इसकी किसकी सहायता से, थियोडोलाइट किसकी सहायता से मापते हैं, जिसकी सहायता से डेटम को मापते हैं उसका नाम है थियोडोलाइट, लिखना चाहें लिख लीजिएगा थियो डोलाइट, राइटिंग मेरी थोड़ी सी गड़बड़ है। थियोडोलाइट की सहायता से नापी जाती है, चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यह सिलेक्शन वाली क्लास है। अगर आपको सिलेक्शन लेना तब इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूनिक, बहुत ही सरल प्रश्न है। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, ठीक है। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट सेक्शन में आप लोग जवाब दीजिएगा। जैसे अगर हम इनके बारे में हम बात करें तो जैसे यहाँ पे हमें मिलता है, ये हमारा हो गया सूर्य, ये क्या हो गया सूर्य है हमारा, ठीक है, क्या है सूर्य है। अब इसके अलावा अब हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं हमारे जो ग्रहों हैं वो कितने आठ हैं, देखिए बुध शुक्र पृथ्वी मंगल अपवाद है, ठीक है। फिर बीच में एस्ट्रोनॉट बेल्ट है, इसे क्या कहते हैं एस्ट्रोनॉट बेल्ट की पट्टी कहा जाता है। फिर इसके बाद बृहस्पति शनि अरुण वरुण। तो यहां पर हमने एक बात देखा और एक बात यहां पे हम लोगों ने सीख भी लिया। हमने ये सीखा कि शुरुआत के ग्रह बढ़ते क्रम में है, कैसे क्रम में है, यहां पर शुरुआत में जो ग्रह है वो बढ़ते क्रम में है, ठीक है। मंगल अपवाद है, अपवाद क्या है, अपवाद मंगल है, मंगलवा अपवाद है। और यहां पर हम देखेंगे ये घटते हुए क्रम में है, देख रहे हैं आप। तो इन्हें हम आंतरिक ग्रह कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं आंतरिक ग्रह कहते हैं, इंटरनल प्लेनेट कहते हैं, इन्हें बाह्य ग्रह कहते हैं। ये भारी हैं और ये हल्की हैं, ये भारी पदार्थ के बने हैं, ये हल्के पदार्थ के हैं, इन्हें हम गैसीय ग्रह भी कहते हैं, बाह्य ग्रह, इन्हें गैसीय ग्रह के नाम से भी जानते हैं। दोनों बात याद रखिएगा यार, वीडियो को शेयर कर दीजिए जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पर, पैसे नहीं कटेंगे आपके। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन्हें बाह्य ग्रह के साथ साथ इन्हें गैसीय ग्रह भी कहते हैं। कौन सी गैस, क्योंकि ये हल्की है। इसमें सबसे हल्की ग्रह कौन सी है पता आपको, अगर पूछा जाए कि सबसे हल्की ग्रह कौन सा है, मैंने पानी में डाल दे, बल्टी में डाल दे पानी में तो पौड़े लागे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि वह अगर ग्रह की बात की जाए तो ये शनि है, सबसे इसका द्रव्यमान 0.79 है, मैंने पानी में भी नहीं डूबेगा। यहाँ पे अगर इसके चक्कर की बात करें तो ये 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है, 28 डे में, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर हम शुक्र की बात करें तो ये 225 दिन में सूर्य का चक्कर पूरा करता है, पृथ्वी 365 दिन में, ये अर्थ है हमारी, ठीक है। और अगर मंगलवा की बात करें, सॉरी मंगल की अगर हम बात करें तो ये 687 दिन में, इसके बाद ईयर में आ जाता है। इसके बाद अगर बुध की बात, बृहस्पति की बात की जाए तो 11 साल में चक्कर पूरा करता है, शनि की बात की जाए तो लगभग 29.5 साल में, 29.5 ईयर में सूर्य का चक्कर लगाता है। अगर अरुण की बात करें तो ये 64 साल में, और अगर हम वरुण की बात करें तो ये लगभग 165 ईयर में सूर्य का चक्कर पूरा करते हैं। सबसे जल्दी कौन करता है, बुध, सबसे लास्ट में किए। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा है सबसे छोटा कौन सा है, तो हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह अगर हम बात करें तो वो है आपका बुध, जिसे आप मरकरी के नाम से जानते हैं, और बृहस्पति सबसे बड़ा है, यह सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। यहाँ पे पृथ्वी इतने बड़े तूफान चलते रहते हैं, वैसे बहुत कुछ बताना है। ग्रहों की संख्या कितनी, आठ। ग्रह कितने हैं कुल, अगर ग्रह की बात की जाए तो आठ है, पहले नौ हुआ करते थे। नौवा कौन सा था, तो नौवा आपको पता होना चाहिए यम या प्लूटो था, नौवा जो था यम प्लूटो कुबेर, इसे तीन नामों से जानते थे। लेकिन आपको पता होना चाहिए इसे हटा दिया गया, ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। कब हटाया गया उसके भी मैं यहाँ पे चर्चा जरूर करूंगा। इसे हटा दिया गया 2006 में, कब, 24 अगस्त, पूरा लिख दे रहे हैं, रुक जाइए नोट्स बना लीजिएगा, 24 अगस्त
2006 को किसने इसे ग्रह की श्रेणी से हटाया, उसका नाम था IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉट यूनियन, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने बैठक लिया और प्लूटो ग्रह को बौना ग्रह बना दिया। कौन सा ग्रह? बौना ग्रह की श्रेणी में रख दिया। इस प्रकार वर्तमान समय में ग्रहों की संख्या 8 है। अगर आकार के अनुसार देखा जाए सबसे छोटा बुध है, सबसे छोटा क्या है? बुध है। और सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो बृहस्पति है। अगर इसकी त्रिज्या की बात की जाए, अगर हम इसकी त्रिज्या की बात करें, इसकी त्रिज्या कितनी है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिख दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसकी त्रिज्या 4800 किलोमीटर है, 4800 किलोमीटर है। और बृहस्पति की त्रिज्या अगर बात किया जाए तो 14000 किलोमीटर है, 14000 किलोमीटर है। पृथ्वी की आपको पता है 6371 किलोमीटर है, पृथ्वी की 6371 किलोमीटर है। तो इस प्रकार हमने ये देखा, इनकी त्रिज्या आपको क्लियर हो चुकी है। अगर आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख लें। और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है, जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। हमारे सौरमंडल में सबसे ऊंचा पर्वत क्या है? तो मंगल ग्रह पर है निक्स ओलंपिया। क्या है? निक्स ओलंपिया। और सबसे कम उपग्रह, अच्छा हमारे सौरमंडल में कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है? तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए कि हमारे सौरमंडल में कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई भी नेचुरल प्लैनेट नहीं है। तो वह दो ग्रह हैं कौन, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो ग्रह आपके हैं, एक और दो, बुध और शुक्र, जिनके पास कोई भी नेचुरल प्लैनेट नहीं है, कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, बाकी के पास सबके पास है। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ, लेकिन एक छोटा सा सवाल आपसे कि सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह के पास है, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, सबसे गर्म ग्रह। देखिए ध्यान दीजिएगा कि सबसे गर्म ग्रह जो थी वो कौन सा था? शुक्र है, जबकि होना बुध को चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा गर्म जो है वो शुक्र है। क्यों है वो हम लोग ऑनलाइन क्लास में जो लोग जुड़े हैं वहां पे हम इसको अच्छे से और व्याख्या करके बता दिए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट सभी लोग क्लिक कर लें। चलिए अगला सवाल आपके पास, पृथ्वी के निकटतम कौन सा ग्रह है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पे बात करें कि जैसे यहाँ पे हमारा सन हो गया, यहाँ पे हमारा सन हो गया, अब सन के बाद यहाँ पे हमारा बुध है, फिर हमारा शुक्र है, फिर हमारी पृथ्वी है, फिर इधर पे मंगलवा है। अब यहाँ पर ये हमारी पृथ्वी है, अब पृथ्वी दो ग्रहों के बीच में है, किसके किसके बीच? यहाँ पे है आपका शुक्र, यहाँ पे है आपका मंगल। अब इन दोनों में कौन सबसे नजदीक है? यार वीडियो को शेयर कर दीजिए, पैसे नहीं कटेंगे आपके, यहाँ पे जल्दी से जवाब दीजिएगा जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए यहां पर ध्यान देना है, पृथ्वी की निकटतम अगर देखा जाए तो तीन ग्रह हैं, बुध शुक्र पृथ्वी। अगर शुक्र देखा जाए तो, अगर शुक्र से बीच की दूरी देखा जाए, अगर इनके बीच की दूरी यहां पे हम देखें तो मंगल, इनके बीच अगर हम दूरी देखते हैं तो लगभग 4.14 करोड़ किमी है। और अगर हम इन दोनों के बीच की दूरी देखें, मंगल और पृथ्वी के बीच, तो ये 7.83 करोड़ किमी है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है कि इसका उत्तर शुक्र होगा। माने अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर बी बताया था तो आपका प्रश्न बहुत ही सही है। बुध सूर्य के सबसे निकट है, मंगल ग्रह का झुकाव घूर्णन की अवधि पृथ्वी के झुकाव घूर्णन की अवधि के लगभग बराबर है, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है। शुक्र को क्या कहते हैं? पृथ्वी की भगनी, पृथ्वी की बहन, भोर का तारा, सांझ का तारा, चमकीला तारा, ठीक है, तारो, तो ये शुक्र के उपनाम है। क्यों? क्योंकि इसमें CO2 की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 90 से लेकर 95% तक है। इसे प्रेशर कुकर वाला ग्रह भी कहते हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? प्रेशर कुकर वाला ग्रह भी कहते हैं। आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें, ठीक है। चंद्रमा सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, प्राकृतिक उपग्रह है हमारे पृथ्वी का। अगला, सूर्य ग्रहण कब होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, सूर्य ग्रहण कब होता है? जितने भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा और कमेंट करने के बाद जवाब दीजिएगा। देखिए यहां पे मैं, यहां पे ये हमारा सन हो गया, ये हमारा सन हो गया, अब हम यहां पे बना लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा अर्थ हो गया, ये हमारा अर्थ हो गया। अगर बीच में यहां पे मून आ जाता है, यहां पे अगर
मून आ गया। तो यहां पे जो सूर्य किरणें हैं वो पृथ्वी पर साफ नहीं आ पाती, और जब पृथ्वी पर नहीं आ पाती तो इस दशा में क्या होगा, तब ऐसी दशा को हम क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है, ये हो गया सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण भी मैं यहाँ पे पढ़ा दूँ, नहीं तो आप लोग बाद में कहेंगे। ये हम मान लेते हैं, इसको सन मान लेते हैं, ये हमारा सन हो गया। अब यहाँ पे हमारी अर्थ हो गई, ये हमारी क्या हो गई, अर्थ पृथ्वी। यहाँ पे हमारा मून हो गया, यहाँ पे हमारा मून। इस स्थिति को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। माने सूर्य और पृथ्वी, यहाँ पे देखिए ऐसे लिख दे रहे हैं, ये सूर्य है आपका, ये पृथ्वी है आपकी, और ये चंद्रमा है आपकी। माने मतलब एक बात साफ है, माने चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है और यहाँ पे सूर्य ग्रहण। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ये परीक्षा वाले प्रश्न है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा, प्रतिपदा अर्थात न्यू मून, न्यू मून के दिन याद रखिएगा सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है। रट लीजिएगा सभी साथी, यहां पे जिस कारण चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है और यह स्थिति अमावस्या को होती है, इस दिन हम क्या कहते हैं, रट लीजिएगा, प्रतिपदा को अमावस्या कहते हैं। क्या कहते हैं? इस दिन अमावस्या भी कहते हैं, माने अमावस्या भी अगर विकल्प में है तो याद रखिएगा। ठीक है, एक ध्यान दीजिएगा। और यह जो चंद्रग्रहण होता है यह कब होता है, चंद्र ग्रहण की स्थिति जो होती है ये पूर्णिमा को होती है, ये कब होती है, पूर्णिमा को होती है। ये रट लीजिएगा, दो प्रश्न आपके परीक्षा में एकदम फिक्स होने चाहिए। चंद्र ग्रहण की स्थिति सदैव पूर्णिमा के दिन होती है, क्योंकि चंद्र ग्रहण तभी होगा जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है। रट लीजिएगा, जान लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, दोनों प्रश्न हमने यहाँ पे बता दिया। मतलब वीडियो को अब तो शेयर कर दीजिए, अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिए, पैसे नहीं लगेंगे आपके, सिलेक्शन लेना है, सरकारी नौकरी करनी है। दोनों स्क्रीनशॉट हो गया, ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगला है संगमरमर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संगमरमर क्या, मैं सभी पूरा बता दे रहा हूं। देखिए इसे चट्टान क्या कहते हैं, यहां पे देखिए चट्टान, चट्टान को हम कहते हैं रॉक्स, क्या कहते हैं, रॉक्स। इसे सैल भी कहते हैं। तो आपसे अगर हम पूछे चट्टान क्या है, आपके मन में आएगा, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, मतलब ये बड़ा पत्थर का टीला, जी नहीं, माने जैसे चट्टान कहते हैं कि दिमाग में पत्थर का टीला बन जाता है, लेकिन चट्टान का मतलब है पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त चीजें जो क्रस्ट पर पाई जाती हैं, चाहे वो चीका मिट्टी की तरह मुलायम हो या बालू का पत्थर की तरह कठोर हो, उन सभी को हम चट्टान कहते हैं। चट्टान तीन प्रकार का होता है, पहला आग्नेय शैल, इसे इग्नियस रॉक्स कहते हैं, दूसरा सेडिमेंटरी रॉक्स जिसे हम औषधि शैल कहते हैं, तीसरा कैंथरी शैल जिसे मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। यह हमारा प्राइमरी रॉक्स भी कहलाता है। पृथ्वी पर सबसे पहली चट्टान आग्नेय शैल बनी थी। संगमरमर क्या है, अब ध्यान दीजिएगा, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं। आग्नेय शैल क्या है, जब पृथ्वी के अंदर से क्रस्ट को तोड़कर या पृथ्वी के अंदर से भूगर्भ से जब उत्तप्त मैग्मा बाहर आता है, उसके जमने से जो चट्टान बनती है हम उसे आग्नेय या इग्नियस रॉक्स कहते हैं। उसके कटने पिटने के बाद जो जमाव से बनता है उसे हम औषधि चट्टान के नाम से जानते हैं, उसे क्या कहते हैं, औषधि या सेडिमेंटरी रॉक्स, इसे परदार शैल कहते हैं। लेकिन संगमरमर क्या है, यह मेटामॉर्फिक रॉक्स है। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा कैंथरिक चट्टान। जैसे संगमरमर किससे बनता है, चूना पत्थर से बनता है, इससे चूना पत्थर, ध्यान दीजिएगा यह बनता है चूना पत्थर। चूना पत्थर को हम लाइमस्टोन कहते हैं। लाइमस्टोन में जब किसी भी चट्टान में अत्यधिक ताप और दाब दिया जाए तो उसका रंग रूप परिवर्तित हो जाता है, बेशक वो वियोजित और विघटित नहीं होता। ऐसे चट्टान को हम मेटामॉर्फिक रॉक्स या कैंथरिक शैल या रूपांतरित शैल भी कहते हैं। तो यहां पर यह बात याद रखिएगा, संगमरमर बनता है ये अत्यधिक ताप और दाब के बाद, जैसे मिट्टी को गूंथ लिया और आग में डाल दिया, ईंट बन गया, तो वह एक प्रकार से सेडिमेंटरी रॉक्स, सॉरी मेटामॉर्फिक रॉक्स का उदाहरण है। इस प्रश्न का उत्तर आपका सी है। जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सी लगाया उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही है। मतलब चूना पत्थर लाइमस्टोन संगमरमर अर्थात मार्बल में कन्वर्ट होता है। स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, या शेयर कर दीजिए, पैसे नहीं कटेंगे यार, पढ़ाने में कोई कमी हो तो बताइए, और न व्याख्या करें और जल्दी जल्दी पढ़ा दें।
ये इंपॉर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा में पूछा जाता है। अब देखिए, महासागरों में ज्वार भाटक उत्पत्ति का कारण क्या है, आइए ध्यान से देखते हैं। महासागरों में ज्वार भाटक कैसे आते हैं, देखिए ये हमारा हो गया सन, ये हमारा सन हो गया। अब हम लाते हैं बीच में अपनी नीली पृथ्वी को, यहां पे हमारा आ गया पृथ्वी, ये हमारा पृथ्वी। चंदा मामा को आप लोग कितने लोग जानते हैं, अब हम यहाँ पे लाते हैं अपने चंदा मामा को, ये हमारा चंदा मामा, ये हमारे मून हो गया, ये हमारा चंद्रमा है। चंद्रमा की चार स्थितियां हम लेते हैं, चंद्रमा की चार स्थितियां लेते हैं, ध्यान दीजिएगा यहां पे जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीधी एक सरल रेखा में होते हैं, जब एक सरल रेखा में होते हैं तब यहां पर दीर्घ ज्वार आता है। कौन सा दीर्घ ज्वार आता है, याद रखिएगा, माने जल के महासागरीय जल के ऊपर उठने को ज्वार, नीचे जाने को भाटा कहते हैं। जब सरल रेखा में होती, किस रेखा में, सरल रेखा में, लेकिन जब वह इस तरह से 90 डिग्री पर होती है, जब वो किस पे 90 डिग्री पर होती है, कितने पर 90 डिग्री पर होती है, एक दूसरे से कितने 90 डिग्री पर होती है, ठीक है, जब वह एक दूसरे की 90 डिग्री पर होती है तब यहां पे लघु ज्वार होता है। कितना होता है, लघु ज्वार, यहां पर क्या होगा, लघु ज्वार होता है, क्या होगा, लघु ज्वार होता है, यह बात अच्छी तरह से जान लीजिएगा। अब यहां पे दीर्घ ज्वार लघु ज्वार कॉन्सेप्ट कैसे समझाएं, आइए हम आपको अच्छे से समझा देते हैं। देखिए, सूर्य चंद्रमा जब ये एक सीधी रेखा में होते हैं तो आपको लगेगा सर जब एक सीधी रेखा में होंगे तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति ज्यादा काम करेगी तो इसलिए दीर्घ ज्वार आएंगे, लेकिन जब वो विपरीत दिशा में जब चंद्रमा यहां है तब तो लघु ज्वार होना चाहिए, लेकिन यहां पे तब अपकेंद्री बल काम करता है। क्या करता है, अपकेंद्री बल काम करता है जिसकी वजह से पानी को ऊपर फेंकता है, इसलिए इस कंडीशन में भी दीर्घ ज्वार होता है। जबकि यहां पर देखेंगे कि यहां पे चंद्रमा इधर खींच रहा है और यह चंद्रमा इधर और पृथ्वी इधर खींच, सूर्य इधर खींच रहा है, इसलिए इस स्थिति में लघु ज्वार आता है, नीचे बैठने को भाटा कहते हैं। और आपको एक बात पता है, एक ज्वार के बाद अगले ज्वार में 52 मिनट की देरी होती है, वो भी बता दें हम आपको, जैसे मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे सूर्य हो गया, यहाँ पे हमारी पृथ्वी हो गई, अब देखिए चंद्रमा यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ पे 9:30 पर एक ज्वार आता है, अगला ज्वार जब 24 घंटे बाद चंद्रमा फिर यहाँ पे आएगी, जब चंद्रमा फिर आएगा तो अगला दिन हो जाएगा 9:30 का, तो क्या एग्जैक्ट 9:30 पर ही आपका ज्वार आएगा, जी नहीं, 52 मिनट बाद आएगा। क्यों, क्योंकि जो चंद्रमा है ना, जो चंद्रमा यहां था वो उठ के कहीं यहां चलाएगा, कितना जाएगा ध्यान दीजिएगा, कितने डिग्री ऊपर, तब इस इतने डिग्री को तय करने में, यहां से यहां तक पृथ्वी जब तक नहीं आएगी दीर्घ ज्वार नहीं होगा, मतलब इतनी दूरी को तय करने में लगभग 12 डिग्री 2 मिनट का समय लगता है, और इसलिए प्रत्येक एक ज्वार के बाद 52 मिनट की देरी होती है। अगला ज्वार जो आएगा वो 9:30 नहीं आएगा, बल्कि वह आएगा 10:22 पर आएगा, 52 मिनट की देरी से आएगा, ठीक है। अब हम इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब यहां पर पूछा है प्रश्न नंबर 8 का, तो यहां पर इसका जवाब होगा, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव की वजह से, इन दोनों के संयुक्त प्रभाव की वजह से ही क्या होता है, यह ज्वार आता है। यहां पर अपकेंद्री बल नहीं होगा बल्कि अपकेंद्री बल होगा, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा डी न होकर सी इसका राइट आंसर होगा। ध्यान दें, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, परीक्षा में अगर प्रश्न आएगा तो गलती मत करिएगा, वरना आप इसके जिम्मेदार स्वयं होंगे। मैंने बार बार समझाया, अपकेंद्री और अभिकेंद्री दोनों में अंतर होगा। अपकेंद्री बल लगता है कब, जब 180 डिग्री पर सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी होते हैं तब। क्लियर, किसी के मन में कोई प्रश्न कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछ ले, ठीक है। स्क्रीनशॉट जरूर क्लिक कर लीजिएगा, इससे बेहतर क्लास अगर YouTube पर मिले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर नहीं बेहतर है तो अंत तक जरूर बने रहिएगा, नौकरी करनी है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, वो साइंस में हम लोग अच्छे से देखेंगे, किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर बड़ा दिन का कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो हम शॉर्टकट में समझा दे रहे हैं ताकि आपको कभी भूले ना। चलिए यहां पे देखिए, बड़ा दिन का कॉन्सेप्ट क्या है, यहां पे ये हमारा हो गया पृथ्वी, ये हो गया 0 डिग्री, क्या हो गया 0 डिग्री, इसे कहते भूमध्य रेखा, ये है कर्क रेखा, ये है मकर रेखा, ठीक है। मैं यहां पे नाम लिख दे रहा हूं, इसका नाम है कर्क रेखा, इसका नाम है भूमध्य रेखा, इसे विषुवत रेखा, विषुवत वृत्त भी कहते हैं,
इसे कहते हैं मकर रेखा। इसका कोण है 23.2 डिग्री, ये साउथ है, ये 23.2 डिग्री नॉर्थ है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, जब सूर्य किरणें भूमध्य रेखा पे सीधी चमकती हैं तो दिन रात बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, दिन रात बराबर होता है, तो यहाँ पे दिन रात बराबर कब होगा, 2 दिन होगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर 2 दिन होगा। ठीक है, 2 दिन होगा, कैसे होगा आइए ध्यान से देखते हैं। एक होगा आपका 21 मार्च, लिख लीजिएगा एक ही डायग्राम में क्लियर, दूसरा 23 सितंबर को, 23 सितंबर 21 मार्च को दोनों गोलार्धों में दिन और रात आपस में बराबर होगा। ये आप लोग जब क्लास पढ़ेंगे वहां पे आपको बता दिया जाएगा। अब कर्क रेखा पर उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून को, और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन अगर देखा जाए तो क्या होगा, जो मकर रेखा पर होता है ये होगा 22 दिसंबर। ये भी सबसे बड़ा दिन, देखिए ये हो गया सबसे बड़ा, ये भी सबसे बड़ा। ठीक है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध ये बड़ा सकते, यहां पे बराबर, यहां पे क्या होगा, यहां पे बराबर होगा, दिन और रात आपस में बराबर, तो ये याद हो गया। अब यहां पे ध्यान देना है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन। इस प्रश्न में जो बात अस्पष्ट है वो एक ही विकल्प है, 21 जून को कहां पे, उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थन हेमिस्फीयर में, रट लीजिएगा उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा, जबकि 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन, 22 दिसंबर को किस पर, दक्षिणी गोलार्ध का। रट लीजिए, यहां से एक का आएगा, लेकिन हमने इस तरह से व्याख्या कर दिया कि कभी भी प्रश्न आए आपकी गलती नहीं होगा। सभी लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, इतनी वीडियो को लाइव देख रहे हैं। अच्छा, ज्वार भाटा को सिजगी भी कहते हैं, वो मैं आगे पढ़ा दूंगा, स्क्रीनशॉट सभी लोग क्लिक कर ले। क्या किसी के मन में यहां से कोई डाउट है, यार वीडियो को शेयर करिए, लाइक का बटन नहीं दबाया पैसे नहीं कटेंगे, अच्छी चीजें हैं, पूरी यूट्यूब पर ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी। सिलेक्शन लेना है, सरकारी नौकरी करनी है, ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट हो गया ना। क्लास में भूगोल के अलावा किसी भी प्रश्न का जवाब आपको नहीं मिलेगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए कथानुकरण, आजकल आपने देखा होगा परीक्षाओं में इस तरह के सवाल बहुत पूछे गए हैं। भूगोल के अलावा अगर कोई प्रश्न पूछना है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस का नंबर है, ये जौनपुर जनपद से चलती है, मेरी क्लास निःशुल्क देशहित में राष्ट्रहित में है। यहाँ पे जो भी सवाल आपको अन्य पूछना वो यहाँ पे पूछ लीजिएगा, क्लास को डिस्टर्ब ना करें। स्वेज नहर बनाने में भारत की पश्चिमी देशों की दूरी कम हो गई, ऐसे प्रश्न आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, कथन और कारक आपको यहाँ पे दे दिया गया है। अब आइए यहाँ पे जानते हैं, यहाँ पे ध्यान देना है, स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था। इसका निर्माण अगर देखा जाए, स्वेज नहर का निर्माण किसी को पता है, एक प्रश्न आपका यहाँ से तैयार हो गया, निर्माण 1869 में हुआ था, मिस्र में ब्रिटेन व फ्रांस ने किया था, लगभग 100 साल तक इन नहरों इन्हीं देशों के अधिकार में रही, लेकिन वर्तमान में इस पर मिस्र का अधिकार है, जहाँ पर ये बनी। इस पर किसका अधिकार है, स्वेज नहर पर अधिकार मिस्र का है, जिसे आप इजिप्ट कहते हैं, पिरामिडों का देश अधिकार है इस समय वर्तमान में, वर्तमान में इजिप्ट का अधिकार है इस पे। ठीक है, यह लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ती है, रट लीजिएगा, यह लाल सागर और भूमध्य सागर जोड़ती है, एक प्रश्न आपका तैयार, यह परीक्षा में पूछा जाता है, किनको जोड़ती है, लाल सागर भूमध्य सागर को, यह रट लीजिएगा। इस नहर को बनाए जाने में यूरोप दक्षिण एशिया के देशों की दूरी घटकर लगभग आधी हो गई, मतलब ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर ए राइट है। ये आजकल टेक्निकल प्रश्न है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, रट लीजिएगा, ये एनसीईआरटी की जो निचोड़ है वो आपके सामने है। क्लियर हो गया सबका कॉन्सेप्ट, ठीक है, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा, मैंने पूरी व्याख्या करके बता दी। इससे भी सरल अगर कोई पढ़ाता है तो भाई ये चैनल छोड़ के वहां पे जाइए, क्योंकि आपका सिलेक्शन ज्यादा महत्वपूर्ण है इस क्लास से। अगला है मिलान करना है, आइए ग्रह किसे कहते हैं, सबसे पहला प्रश्न, ग्रह ग्रह व्याकाशी पिंड होते हैं, जिनके पास न खुद कुष्मा होती है न खुद का प्रकाश होता है, अपने साथी तारे के साथ साथी तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उन्हीं का ये चक्कर लगाते हैं, इसलिए यहां पर यूरेनस
यूरेनस आपका ग्रह हो गया, उपग्रह सैटेलाइट ये वे आकाशीय पिंड होते हैं जिनके पास न खुद का प्रकाश होती है न खुद का ऊर्जा होता है, लेकिन अपने नजदीकी ग्रह का चक्कर लगाते हैं। तो ये आपका चंद्रमा हो गया जो पृथ्वी का सैटेलाइट है। पुच्छल तारा, जी हाँ, ये आगे हम लोग बताएंगे, ये पुच्छल तारा 76 वर्षों में एक बार दिखाई देता है, इसको हम आगे बात करेंगे। जो पुच्छल तारा है ये आपका हेली है। कृत्रिम उपग्रह जो है वो मैरिनर है, क्या है मैरिनर, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ठीक है। चलिए आप लोग मिलान कर लीजिएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या है, ये हो गया आपका ए। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, सबके प्रश्न सही हो गए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यार काफी लंबा वीडियो होगा लेकिन आपको सिलेक्शन लेना है। वोल्गा नदी कहां मिलती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। विश्व भूगोल में वोल्गा नदी का जिक्र ना हो तो पढ़ना बेकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा जितने लोग वीडियो को लाइक। देखिए भूमध्य सागर में नील नदी गिरती है, इसलिए मैं बता दी दुनिया की सबसे बड़ी नदी नील नदी कहां गिरती है, जाके भूमध्य सागर में गिरती है। लेकिन इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा कैस्पियन सागर, माने वोल्गा नदी। वोल्गा नदी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके बताइए जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। क्लियर हुआ सबका, किसी के मन में कोई सवाल तो नहीं है ना। कैस्पियन सागर इसका राइट आंसर होगा। वोल्गा नदी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए बताइए। अगला प्रश्न आपके सामने है, उच्च दाब के क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली जो पवनें होती हैं उन्हें कौन सी पवन कहते हैं। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी कमेंट सेक्शन में जाएं। देखिए ये हमारी पूरी माना, ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हमारा पूरा ग्लोब हो गया, ये हमारा हो गया 0 डिग्री, ये हो गया भूमध्य रेखा, ठीक है। भूमध्य रेखा की ओर उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली जो पवनें होती हैं उन्हें कौन सी पवन कहते हैं। देखिए उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली जो पवनें होती हैं उन्हें ट्रेड विंड्स कहते हैं, व्यापारिक पवनें कहते हैं। 20 का सही जवाब होगा, ठीक है। मानसून पवनें केवल भारत में चलती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इसके बारे में और जानते हैं। यह ईस्टर्न उत्तरी अक्षांश और दक्षिण अक्षांश के क्षेत्र या उपोष्ण वायुदाब कड़ीबंधों में भूमध्य रेखा की निम्न वायुदाब पेटी की कड़ीबंध की ओर दोनों गोलार्धों में वर्ष भर प्रभावित होती, मतलब यहां से देखिएगा ये 0 से 30-35 पे चलती हैं। ये बात याद रखिए, इसे व्यापारिक पौने कहते हैं, ये पूरे वर्ष भर चलती हैं। इसके ऊपर पछुआ पवन चलता है, उसके आगे हम लोग बताएंगे, ठीक है। मानसून पवन स्थल समीर समुद्री समीर जो होता है इसके अंतर्गत आता है। समुद्री पवन जो होती है वो मानसूनी पवन के अंतर्गत आता है। पछुआ हवा जो है इसके ऊपर चलती है 30-35 से 60-65, ठीक है। 30-35 से 60-65 पछुआ पवन चलती है। हाँ देखिए व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, ध्रुवों पर ब्रिजर, सही है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, बी हो गया। अच्छा ग्रही हवा किसे कहते हैं, कितने लोगों को पता है ग्रही हवा किसे कहते हैं। स्थानीय पवन कौन सी होती है, जब आप लोग ऑनलाइन क्लास में जब जाएंगे वहां पे पढ़ेंगे तो वहां पे सारी चीजों को और अच्छे से व्याख्या करके बताया जाएगा, ठीक है। हाँ उष्कटिबंधीय क्षेत्र के बाहर चलती है, उष्कटिबंधीय तो 23.5 तक ही मानी जाती है। अगला, स्वेज नहर किन दो सागरों को मिलाती है, अभी ऊपर हम लोगों ने ऐसे प्रश्न को पढ़ा था। जल्दी जल्दी कॉमेंट करिएगा, कॉमेंट करने के बाद जवाब दीजिएगा, सभी लोग फटाफट कॉमेंट करिएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये भूमध्य सागर और लाल सागर, यहाँ पे भी हम लोगों ने पढ़ा ये भूमध्य सागर और लाल सागर, इसकी एक विशेषता और है। यह उत्तरी प्रवेश द्वार पर भूमध्य सागर, यहाँ पर उत्तरी प्रवेश द्वार है, ध्यान से लिखना चाहिए, लिख लीजिएगा उत्तरी प्रवेश द्वार पर भूमध्य सागर है, और लाल सागर की ओर अगर देखा जाए दक्षिणी प्रवेश द्वार लाल सागर है, यहाँ पे दक्षिणी प्रवेश द्वार है। इसे कहते हैं पोर्ट स्वेज है, यहां पे क्या है पोर्ट स्वेज है, ठीक है। तो यहां पे दक्षिणी और उत्तरी दोनों हमने आपको यहां पे बता दिया। इस नहर के उत्तरी भाग में लिटिल झील और दक्षिणी भाग में ग्रेट बिटर खारे पानी की झील है, ध्यान दीजिएगा। इसके दोनों तरफ स्वेज नहर है, जैसे यहां पे हमने बना दिया, ध्यान दीजिएगा मैंने यहां पे स्वेज नहर बना दिया, स्वेज नहर मैंने बना दिया, ठीक है। अब स्वेज नहर के उत्तर में लिटिल झील, इसके उत्तर में अगर हम जाएंगे नॉर्थ में जाएंगे तो कौन सी झील है, लिटिल झील है,
ये थोड़ा सा हाई लेवल मैं बता दे रहा हूँ जी। अगर हम इसके दक्षिण में जाएंगे साउथ में, तब ग्रेट बीटर झील है, ग्रेट बीटर झील है। इसकी खारे पानी की झील है। और इसका जो मिस्र का राष्ट्रीयकरण हुआ था, मिस्र द्वारा इस नहर का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1956 में मिस्र द्वारा राष्ट्रीयकरण, अगर निर्माण पूछ दिया जाए तब 1869। एकदम विधिवत माने हर प्रश्न को इतने अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, सबको क्लियर हो गया? जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग, सिलेक्शन लेना है सरकारी नौकरी जो करनी है, स्क्रीनशॉट हो गया सबका। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही यूनिक प्रश्न है। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए कौन सा मार्ग बनाना चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रेजेंट ऑफ माइंड का प्रयोग करिएगा और दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। सभी साथी बताइए जल्दी, ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाएं पूछे जाते हैं, किसका प्रयोग करेंगे? जैसे आप लोग बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके सिलेबस में आपके पैटर्न में है, देखते हैं आप लोग कितना प्रेजेंट ऑफ माइंड का प्रयोग करते हैं। अभी तक किसी का जवाब सही नहीं आया है। देखिए डेली क्लास के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, दुर्गेश सर सर्च करके, ई लर्निंग विद दुर्गेश पर फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ई लर्निंग विद दुर्गेश है, देखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर जो है किसी ने सही नहीं बताया, ये है देशांतर रेखा, ये है देशांतर रेखा। क्योंकि जो समय है, ध्यान दीजिएगा, समय कटिबंध जो टाइम जोन है, ये टाइम जोन जो है ये हमें देशांतर रेखा से पता चलता है, किस देश में कितना बजा है। तो समय कम करने के लिए हमें देशांतर रेखा का प्रयोग करना होगा। किसी जहाज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कम समय पहुंचने के लिए यात्रा देशांतर के सापेक्ष करनी होगी। 180 देशांतर पर पूरब से पश्चिम की तरफ जाने पर एक दिन कम हो जाता है और पश्चिम से पूरब की तरफ जाने पर एक दिन बढ़ जाता है। याद रखिएगा, रट लीजिएगा, इसकी नोट्स बना लीजिएगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है तब। ध्यान दीजिएगा, कैसे मैंने अभी बताया ना कि जब 180, देखिए अगर यहां पे 180 डिग्री है, 180 डिग्री से 180 देशांतर से जब पूरब से पश्चिम जाएंगे, देखिए अगर आप ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आप वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे तो एक दिन कम हो जाएगा। ये रट लीजिएगा, ये छोटा सा डायग्राम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है। जी हाँ, पश्चिम से पूरब घूमती है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर देशांतर रेखा सी का राइट आंसर होगा, ठीक है। हम चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ, ये अक्षांश देशांतर, लेट इट, हाँ, कौन सा मार्ग बनाना चाहिए? देखिए इसमें, देखिए ये समुद्री धारा है, ये समुद्री हवा है, अक्षांश रेखा है, हवा से जल्दी थोड़ी पहुंचे, समुद्री हवा, समुद्री धारा, देशांतर रेखा, अक्षांश। तो इसके लिए जो हम प्रयोग करेंगे मार्ग बनाने के लिए, हम देशांतर रेखा का प्रयोग करेंगे मार्ग बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा, ताप विभाजन, देखिए टेम्परेचर जोन जो है, ताप विभाजक अक्षांश रेखा है, ये भी लिख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपको हमेशा काम देगा, स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा महाद्वीप है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा इस पर आपका, सभी लोग फटाफट कमेंट करें, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। इस प्रश्न का उत्तर जो था मैंने बता दिया, परीक्षा में आएगा तो वही जो मैंने बताया वही लगाएगा, देशांतर रेखा। देखिए यहां पर ऑस्ट्रेलिया है, यह विश्व के क्षेत्रफल का, यह विश्व के क्षेत्रफल का 5.2% है, जबकि एशिया सबसे बड़ा है। एशिया क्या है? सबसे बड़ा है, ठीक। किसी के मन में कोई सवाल, कोई प्रश्न तो जल्दी से बताएं।
क्योंकि रेस के घोड़े ही रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आपको तो सिलेक्शन लेना है। लेकिन एशिया अगर देखा जाए तो विश्व का अकेले 29.5% क्षेत्र पर फैला है, अकेले, ठीक है। अंटार्कटिका का पांचवां स्थान आता है, आपको पता ही है। यूरोप का कौन सा आता है? यूरोप का छठवां, ऑस्ट्रेलिया का सातवां और एशिया का पहला। ये एकदम रट लीजिएगा। हाँ, मरे डार्लिंग नदियां ऑस्ट्रेलिया में बहती हैं, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट सभी लोग क्लिक कर लें। ग्रहों के बारे में क्या सत्य है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और जवाब दीजिएगा। ग्रहों के बारे में क्या सत्य है, जल्दी से कमेंट करिएगा यार, पैसे नहीं लगते हैं। देखिए, ग्रहों के बारे में क्या सत्य है? ये प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते नहीं। जी नहीं, चमकते हैं रिफ्लेक्ट होने के बाद, ये गलत हो गया। ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं, कैसे? तारों के प्रकाश से, तारों के प्रकाश से। और सूर्य एक तारा है, सूर्य एक तारा है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर बी। ये प्रकाशमान होते किंतु चमकते नहीं, गलत। ये प्रकाशमान भी चमकते भी, गलत। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका बी राइट आंसर होगा, बी इस प्रश्न का। देखिए, ग्रह व्याकाशीय पिंड होते हैं जिनके पास न खुद की ऊष्मा होती है न खुद का प्रकाश होता है। ये अपने साथी तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और उसी का चक्कर लगाते हैं। सूर्य एक तारा है, ठीक है, और जो भी ग्रह हैं वो हमारे क्या हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। क्लियर हुआ? इसलिए इस प्रश्न का, देखिए आप लोग इतनी गलती यहां कर रहे हैं, सोचिए परीक्षा हाल में जाएंगे तो कितनी गलतियां करेंगे। इसलिए जितनी गलती करना है उतनी गलती यहां कर लीजिएगा। अब जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जिसको शेयर करेंगे, जो इस वीडियो को पूरा देखेगा, वास्तव में कहेगा कि सिलेक्शन और क्लास का जो नाता होता है ऐसे ही होता है, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते। देखिए, एक प्रश्न आता है खासकर कथन निष्कर्ष का, और ये प्रश्न है आपकी अक्षांश और देशांतर रेखा से। हो सकता है ये भी आपके पाठ्यक्रम में है, ठीक है, सिलेबस में है ना सभी के। तो बताइए, तिथि निर्धारक रेखा, तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है। क्लियर? तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। आइए देखते हैं इसके बारे में क्या क्या सत्य है। यहां पे हम जानते हैं, यहां पे हो गया 0 डिग्री। अगर यहां से हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा तक 180 डिग्री जाते हैं, पूरब या 180 डिग्री हम पश्चिम की तरफ जाते हैं, तो क्या होगा? 1 डिग्री जाने पर 4 मिनट जुड़ता है, तो 180 गुणे 4 करेंगे तो 720 मिनट आएगा। 720 मिनट, 720 को भाग देंगे तो लगभग 12 घंटा आएगा। इसलिए यहाँ पर ये आपका सही है। तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री पर है, ये भी सही है। मतलब ए और आर दोनों सही है, और इसकी सही व्याख्या भी करता है, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर ए होगा। इस प्रश्न का सही जवाब है, क्योंकि दोनों सही है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री पर है, ऊपर हमने बताया था। तिथि रेखा को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेडलाइन, इंटरनेशनल डेडलाइन कहते हैं। यहां पर ए और कथन और कारण दोनों सत्य है। सबके मन में जो प्रश्न था वो क्लियर हुआ? अच्छा, कितने लोगों ने वीडियो को शेयर किया है, जरा कमेंट पे जवाब दें, कितने लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया है। हम आगे चल, अगले ये सिलेबस में है, ऐसे सरकारी नौकरी मिलेगा, तनी मेहनत कर जा। अगला, गोभी का मरुस्थल कहाँ पे? इसकी विशेषता मैं बता दूं, इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यहाँ पे दो कुबड़ वाले ऊंट मिलते हैं, दो कुबड़ वाले ऊंट पूरी दुनिया में, ऊंट मिलते हैं पूरे दुनिया में, दो कुबड़ वाले ऊंट अगर मिलते हैं कहीं तो गोभी के मरुस्थल में। गोभी का मरुस्थल पता है कहाँ पे है? ये मंगोलिया में। कहाँ पर है? ये मंगोलिया में है, और मंगोलिया की राजधानी किसी को पता है? उड़ान बटोर। मंगोलिया की राजधानी उड़ान बटोर है। इसकी बहुत सारी बातें आगे हम बताएंगे। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल ये मंगोलिया में, ऐसे मान लीजिए एशिया, ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। पहला कौन सा है? पहला थार मरुस्थल है।
देखिए अगर यहाँ पे हम प्रश्न देखें तो ये मंगोलिया में है, मंगोलिया एशिया में है। ऑस्ट्रेलियम क्या है कोई बता सकता है? ऑस्ट्रेलियम अगर आप देखें तो दो है, मैं ऑस्ट्रेलिया का भी बता दे रहा हूँ, आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। एक है आपका ग्रेट विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलियम क्या है? एक ग्रेट, लिखना चाहे लिख लीजिएगा, विक्टोरिया। दूसरा भी यहाँ पर है ग्रेट सैंडी, ग्रेट शब्द जहाँ लग जाए ऑस्ट्रेलिया आँख मूंद के मारिएगा, 80% आपका सही हो जाएगा, 80% आपका सही होगा ग्रेट सैंडी। ये दोनों ऑस्ट्रेलिया में है। भारत में आपको पता है कौन सा है? भारत का बताइएगा। अगर हम पश्चिमी अफ्रीका की बात करें, यहाँ पे सहारा मरुस्थल है, पश्चिमी और उत्तरी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल है। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल भारत में क्या है? भारत में सबसे बड़ा थार है और लद्दाख है। ये शीत मरुस्थल है और ये उष्ण मरुस्थल है, ये परीक्षण पूछ सकता है। यहां पे बिष्ट छाया क्षेत्र बनता है। यहां क्लियर हो गया सबका? अरे मंगोलिया राज्य नहीं, मंगोलिया देश है। किस देश में? एशिया महाद्वीप में है, मंगोलिया देश है। और गोबी का मरुस्थल चीन और मंगोलिया के बॉर्डर पर है, ठीक है? और कहा जाता इसी वजह से चीन की दीवार बनी थी। भैया मंगोलिया देश है, राज्य नहीं है। मैंने इतनी व्याख्या करके बताई ताकि आपको भविष्य में यहां से दिक्कत ना होने पाए। सिलेक्शन वाली क्लास है, चारों विकल्प को तोड़कर बता दिया क्योंकि इसके बाहर आपके परीक्षा में नहीं आएगा, ठीक है? अच्छा, सहारा मरुस्थल 11 देशों की सीमाओं को स्पर्श करता है, ठीक है? एक प्रश्न आया है कि कितने देशों को स्पर्श करता है, तो 11 देशों की सीमाओं को स्पर्श करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें। अगला सवाल, समाना घास का मैदान कहां पर है? ये सभी सिलेक्शन वाले प्रश्न है, जल्दी जल्दी कॉमेंट करिएगा। देखिए आप लोग ऑनलाइन क्लास या नोट्स के संबंध में अगर जानकारी चाहिए, ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर बात करिएगा। यहाँ पे केवल केवल भूस्व भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं आप, बाकी यहाँ पे मेरी क्लास निःशुल्क है, देशित में राष्ट्रहित में आप सभी के लिए उपलब्ध है। बताइए समाना घास का मैदान कहाँ, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। मैंने आपसे पहले कहा हम ऐसे प्रश्नों की सीरीज लेकर आएंगे जहाँ से आपके परीक्षा में पूछा जाता है। समाना घास का मैदान जो है अफ्रीका में है, ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। अब ऑस्ट्रेलिया में क्या है कोई बता सकता है? ऑस्ट्रेलिया में क्या है? डाउंस है। देखिए ऑस्ट्रेलिया में क्या है, सभी लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पे है डाउंस। डाउंस अगर बात करें शीतोष्णकटिबंधीय है, कौन सा है? शीतोष्णकटिबंधीय है। यूरोप में पंपास है, यह परीक्षा में पूछा जाता है इसलिए मैं लिखवा दे रहा हूं। पंपास भी क्या है? शीतोष्ण है। यह परीक्षा में आता है कि नहीं आता है कमेंट कर बताइए। उत्तरी अमेरिका में प्रेरी है, यह भी शीतोष्ण है, ठीक है? जो अफ्रीका वाला है यह कौन सा है? यह उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, यहां पर लिख दीजिएगा, यह उष्णकटिबंधीय है। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न का जो विकल्प है वो ए इसका सही जवाब है। हमने चारों विकल्प की व्याख्या कर दी, ठीक है? प्रेरी पंपास शीतोष्ण मैंने बता दिया, इससे अगर कोई बेहतर पढ़ा है तो बताइएगा। सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, बार बार कहा जा रहा है, ठीक है? एक प्रश्न आया है वेल्ड कहां पे है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। वेल्ड घास का मैदान कहां पर है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वेल्ड घास का मैदान कहां पर है। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से बताइएगा वेल्ड कहां पर है और कंपास कहां पर है। चलिए जल्दी से बताइएगा वेल्ड घास का मैदान कहां पर है, वेल्ड घास का मैदान। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी जल्दी बताइए। जल्दी जल्दी बताइए भैया, आप लोग ऐसे ही बताएंगे, बताइए वेल्ड कहां पर है, कंपास कहां पे? पंपास नहीं, कंपास। देखिए जो वेल्ड है ये दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है? चलिए हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जिम्बाब्वे में है, नीबिया में, बोत्सवाना में, दक्षिण अफ्रीका में, यहां पर ये फैला हुआ है, ठीक? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कंपास ब्राजील में, ठीक है? कंपास सही है।
अच्छा इंडिया में 16 घाट से बता दे, इंडिया में जो है यहाँ पे जैसे ये हमारा पश्चिमी घाट हो गया, ठीक है, यहाँ पर 16 घाट है, पश्चिमी घाट पर 16 घाट है, पश्चिमी घाट याद रखिएगा, पश्चिमी घाट में 16 घाट है, पश्चिमी घाट में, इंडिया में 16 घाट पश्चिमी घाट में है, वेस्टर्न घाट, ठीक। स्क्रीनशॉट सभी लोग क्लिक कर लें, सभी लोग स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। अगला सवाल, यहां पर यह बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, माने 3 सही है और 1 गलत है, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। जी हाँ, ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, पूरी टॉपिक हमने पढ़ाई है, कोई भी टॉपिक हमने छोड़ा नहीं है। मेरी क्लास सभी लोग उपलब्ध है, प्ले स्टोर से इलेनी बी दुर्गेश का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। देखिए कौन सा कथन सही नहीं है, 3 है और 1 सही नहीं है, बताइए जल्दी से। मैंने बताया पहले से कि इंपॉर्टेंट है, ये देखिए यमन एशिया में है, ये सही बात है। निकारागुआ मध्य अमेरिका में सही है, नीमीबिया अफ्रीका में सही है, फॉकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में है, यह गलत है। यह है अटलांटिक महासागर में, कहां पे है, अटलांटिक महासागर में है, एक लाइन में कह सकते हैं दक्षिणी अमेरिका में, कहां पे, दक्षिण अमेरिका में, इसलिए यह गलत है। और जो गलत है वही सही है, विकल्प में आपको चयन ए का करना पड़ेगा, इस विकल्प का क्या होगा, ए इस प्रश्न का सही जवाब है। सबको समझ में आ गया, जैसे अगर आपने देखा होगा यहां पे एक मैं महाद्वीप बना रहा हूं, यह आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, यहीं पर आप देखेंगे फॉकलैंड है, क्या है, फॉकलैंड है, उसी फॉकलैंड की बात हो रही है। एक ऐसे ही दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का मैप अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही यहां पर देखेंगे फॉकलैंड है, ठीक। अगला, पृथ्वी पर सबसे नजदीक ग्रह कौन है, अभी ऊपर हम लोगों ने बात किया था पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह शुक्र है, ऊपर हम लोगों ने प्रश्न के बारे में बात कर लिया था, इसे भग्नी कहते हैं, इसके बाद मंगल आता है। अगला, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है, बार बार प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। यार आप लोगों की संख्या बढ़ने की जगह कम हो रही है, क्या बात है यार। यहां पे ग्रीनलैंड होगा, ग्रीनलैंड कहां पर है, ये अगर ग्रीनलैंड की हम बात करें तो आर्कटिक महासागर में, कहां पर है, ये आर्कटिक महासागर में है, उत्तरी ध्रुव समझ लीजिएगा, आर्कटिक महासागर, उत्तरी ध्रुव एक तरह से कह सकते हैं। अब हम अगर बोर्नियो की बात करें, बोर्नियो कहां पे है, तो ये है प्रशांत महासागर में, मैं खाली प्रशांत के लिए समझ रहे हैं। अगर मेडागास्कर की बात करें कि मेडागास्कर कहां पे है, तो ये हिंद महासागर, ये हिंद। न्यू गिनी कहां पर है, ये भी प्रशांत में है, ये पश्चिमी प्रशांत, अच्छा लिख दे रहे महासागर, कम से कम इसी बहाने आपकी तैयारी तो हो जाएगी। कितने लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक बताइए, चलिए एक और प्रश्न चलते हैं, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा। अगला है, डेटम क्या है, ऊपर अभी हम लोगों ने बात किया था डेटम क्या है, इसके लिए भी ऊपर हम लोगों ने प्रश्न की शुरुआत में डेटम था, ये काल्पनिक रेखा, ये डेटम क्या है, एक काल्पनिक रेखा है, कैसी रेखा है, काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा है, ठीक है। और डेटम बारे ऊपर हम लोगों ने बात कर लिया था, यह क्षैतिज रेखा जिसके द्वारा ऊंचाई तथा गहराई की पैमाइश की जाती है या नाप लिया जाता है, ठीक है, जो फिक्स्ड ऑब्जेक्ट होते हैं
इसको एजीएल कहते हैं, ग्राउंड एबव ग्राउंड लेवल, इसे कभी भी नापने का जो होता है उसे हम कहते हैं एजीएल, एबव ग्राउंड लेवल, ठीक है, मापी जाती है, माने डेटम द्वारा ऊंचाई पृथ्वी की सतह के सापेक्ष मापी जाती है। आइए, इक्विनॉक्स वर्ष में दो काल जबकि दिन और रात बराबर होता है उसे क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स मतलब क्या होता है? सूर्य किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी चमकती हैं, यह हमने शुरुआत में पढ़ा दिया था आज ही के सेशन में, जल्दी कमेंट करके बताइए। देखिए, जो धाराएं ठंडे क्षेत्रों से आती है ठंडी होती हैं, और जो भूमध्य रेखा से जिनका जन्म होता है वो गर्म जल धाराएं होती हैं, अपवाद को छोड़कर। बताइए, जल्दी कमेंट करके बताइए, बताइए जल्दी से, जल्दी फटाफट कमेंट करिए। देखिए, यहाँ पर हमने बताया था एक घटना जो होगी आपकी वो 21 मार्च को, दूसरा 23 सितंबर, सूर्य किरणें सीधी चमकती हैं भूमध्य रेखा पर, तो 12 घंटे का दिन 12 घंटे का रात होता है, ठीक है। अगर हम 21 मार्च को कहें, 21 मार्च को बसंत विषु कहते हैं, वसंत, लिखना चाहें लिख लीजिएगा, विषु कहते हैं, और 23 सितंबर वाले को शरद विषु कहते हैं, शरद विषु कहते हैं, यह दोनों बातें आप लोग याद रखिएगा, यह परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। अगला, मैग्नी नॉट रेखा क्या है? मैगी नॉट रेखा थी, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, मैगी नॉट रेखा क्या थी? देखिए, सारे प्रश्न मैंने पहले बताए, अब सिलेक्शन के लिए ही है। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर अगर आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। देखिए, यहां पे ध्यान देना होगा, मैग्नी नॉट रेखा जो है वो फ्रांस और जर्मनी के बीच, इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह ए होगा, ठीक है। अगर हम यहां पे दिया जर्मनी और पोलैंड के बीच, कौन सी रेखा है? इनके बीच, अगर इनके बीच पूछ लिया जाए जर्मनी और पोलैंड के बीच, तो यहां पे हिडनबर्ग है, कौन सी रेखा है? लिखना चाहे लिख लीजिए आप सभी लोग, हिडन वर्ग रेखा है, ठीक है। और अमेरिका और कनाडा के बीच यहां पे 49वीं समांतर रेखा, यहां पे क्या है? 49वीं समांतर रेखा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी है? देखिए, भारत अफगानिस्तान व पाकिस्तान, ठीक है, यह था 1896 में और यह हो गया 1947 में, इसे कहते हैं डुरंड रेखा। कौन सी रेखा? डुरंड रेखा, क्योंकि तो भारत का विभाजन नहीं हुआ था, 1896 में भारत अफगानिस्तान के बीच था, 1947 में ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हो गया, ठीक है, डुरंड रेखा हो गया। तो यहाँ पर आप लोग को मैं उम्मीद करता हूँ सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे होंगे। कल की क्लास में कितने लोग लाइव रहेंगे बताइए, स्क्रीनशॉट क्लिक कर, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए सही जवाब। अगला, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल, अभी इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल बताइए, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा का मरुस्थल है, ये अफ्रीका महाद्वीप में है, कहां पे है? अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में। इसकी क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 80,65,000 है, 80,65,000 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है। दूसरे स्थान पर अगर देखा जाए तो अमेरिका मरुस्थल है, गोबी तीसरे पर है जो मंगोलिया में है, ठीक। निम्नलिखित में कौन सा शीत समुद्री धारा है? शीत समुद्री धारा है, बताइए जल्दी से फटाफट कमेंट करके। जल्दी से कमेंट करके बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। डेली क्लास आपकी होती है, उसके लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, सभी लोग दुर्गेश सर सर्च करके, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ई लर्निंग भी दुर्गेश है,
देखिए मैं यहाँ पे सारी चीज़ें बता देना चाहूँगा जो प्रश्न यहाँ पे आया है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैं पूरा अच्छे से व्याख्या करने जा रहा हूँ, इसलिए आप लोग से मैं चाहूँगा कि पहले देख लें। समुद्री धारा में यहाँ पे शीत अगर पूछा है तो यहाँ पर यह होगा हम्बोल्ड की धारा। जो हम्बोल्ड की धारा है ये दक्षिणी प्रशांत महासागर की धारा है, इसे पेरू भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पेरू की धारा। ठीक है, जब पेरू की धारा ये कहां से निकलती है? ये दक्षिणी प्रशांत से निकलती है। कहां से निकलती है? दक्षिणी प्रशांत महासागर से निकलती है। इसी धारा के कारण जो पेगविन पक्षी होती है वो बिस्वती क्षेत्र के गैला गोपास द्वीप पर रहा करते हैं। इसी धारा के कारण, अगर लिखना चाहे लिख लीजिएगा, इसी धारा के कारण जो पेंगुइन पक्षी होते हैं ना वो बिस्वती क्षेत्र के गैला पागोस द्वीप पर रहा करते हैं। लिखना चाहे मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ, पेंगुइन पक्षी इसी नाम, लिखना चाहे सभी लोग लिख लीजिएगा भैया, बाकी आपकी मर्जी। पेंगुइन पक्षी कहाँ रहा करते हैं? गैला पागोस द्वीप पर, गैला पागोस द्वीप पर इसी कारण रहा करते हैं। अब बताइए, देखिए जो क्यूरेशियो की धारा है ये गर्म धारा है। कैसी है? गर्म, ये गर्म धारा है। अगर गर्म धारा है तो कहां पे है? उत्तरी दक्षिणी विषुवती धारा में मिल जाती है। यह क्या है? उत्तरी प्रशांत की धारा है। कहां पे है? यह उत्तरी प्रशांत की धारा है। उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा है। गल्फ स्ट्रीम की धारा, ठीक है। देखिए इसे हम सुसीमा भी कहते हैं, इसका एक नाम और है, क्यूरेशिया को हम सुसीमा कहते हैं। ये एक पश्चिमी में तट पर चली जाती है, सुसीमा कहते हैं। देखिए इसको सुसीमा भी कहते हैं, लिखना चाहे लिख लीजिएगा जो लोग, सुसीमा धारा भी कहते हैं। कहाँ पे? जापान के तट पर, के तट पर क्यूरेशिया को हम सुसीमा की धारा भी कहते हैं। अब आते हैं गल्फ स्ट्रीम की धारा की बात करते हैं। गल्फ स्ट्रीम अगर हम देखें तो ये गर्म जल धारा, ये क्या है? गर्म जल धारा है। अगर हम ब्राजील की धारा की बात करें तो ये भी गर्म जल धारा है। ये क्या है? गर्म समुद्री धारा है। ब्राजील गर्म है। और गल्फ स्ट्रीम की धारा अगर हम बात करें तो उत्तरी अटलांटिक का है। गल्फ स्ट्रीम धारा क्या है? ये धाराओं का समूह है। अच्छा, ये धाराओं का समूह भी है। कहाँ पे है? अटलांटिक महासागर में। लिखना चाहे सभी लोग लिख लीजिएगा, अटलांटिक महासागर में। इसे आंध्र महासागर भी कहते हैं, आंध्र महासागर। यह साकार का है, ठीक है। आप लोग की संख्या बड़ा कम हो जा रही है, ठीक है। तो इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा भाई, इससे बेहतर अगर कोई पढ़ा तो मैं नहीं कह सकता। सभी लोग ध्यान से चाहें तो उसको लिख लीजिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट सभी लोग कर लीजिएगा, ठीक है। सभी लोग इसकी स्क्रीनशॉट जरूर कर लें, एक प्रश्न ऐसा आपकी परीक्षा में फिक्स आएगा और आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। इससे पढ़ाने के बाद भी अगर गलती हो जाए तो मेरा पढ़ाना बेकार है, ठीक है। अगला, संसार की सर्व महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जहाजी नहर कौन सी है? जल्दी कमेंट कर बताइएगा। हाँ, यूरोप का कंबल कहते हैं गल्फ स्ट्रीम, क्योंकि आगे हम पढ़ाएंगे, ठीक है। जल्दी कमेंट कर बताइए। हाँ देखिए, जो क्लास में जुड़े हैं उनको डिटेल में तो पढ़ रहे होंगे वो। देखिए यहां पर क्या है, यहां पे स्वेज नहर इस प्रश्न का उत्तर है। देखिए स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी।
देखिए मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है यार। सबसे बड़ी जहाजी नहर है, पोतवाहक नहर है। मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में निर्मित स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है, ये भी याद रखिएगा। भूमध्य सागर लाल सागर जोड़ने वाली इस नहर का निर्माण आगे ऊपर हमने बताया 1869 में हुआ था। जब बना था तो ये यूरोप एशिया की दूरी को कम कर दिया था। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर पत्तन है, पोर्ट सहित स्वेज है। ठीक है, ये अब ऊपर हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा लिया था। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, ये हो गया आपका आज का आखिरी प्रश्न। ये था आज का आखिरी प्रश्न, उच्चतम लवणता किस में पाई जाती है। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे। ऑनलाइन क्लास या नोट्स के संबंध में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, ई लर्निंग में दुर्गेश का ऑफिस का नंबर है। प्रतिदिन क्लास आप किसी समय चलती है। ये महाभारत सीरीज आपके लिए है, विश्व भूगोल की जो एनसीईआरटी का निचोड़ आपके लिए है, उन्हीं प्रश्नों को पढ़िए जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और सभी साथी जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं वे जरूर टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी रिवीजन करने के लिए। ठीक है, दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। ये आज का आखिरी प्रश्न है। सभी साथी प्ले स्टोर से ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं ई लर्निंग विद दुर्गेश। मेरा भी है दुर्गेश जायसवाल सर, आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। उच्चतम लवणता कहाँ पाई जाती है? मृत सागर, लाल सागर, महान सॉल्ट झील संयुक्त राज्य अमेरिका में, झील वान टर्की में। बताइए, देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब कौन देता है। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, ये आज का आखिरी प्रश्न है। जी हाँ, ये वान झील, ये कहाँ पर है? ये टर्की में है, ये टर्की में है। इसके बारे में आपको बता दें, नदियों द्वारा निरंतर लवण की आपूर्ति होते रहने से जो अंतः समुद्री झीलों में लवणता की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगती है, वाष्पीकरण उनके जल को प्रतिदिन निरंतर अधिक खारा बनाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के यूटाहान राज्य में ग्रेट साल्ट झील है, मृत सागर है, तुर्की गवान झील। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो सबसे ज्यादा 330 330 ग्राम प्रति हजार है, प्रति हजार ग्राम है, ये एकदम रट लीजिएगा। ठीक है, जी हाँ, मृत सागर का 240 है। ठीक, चलिए, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम रट लीजिएगा जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। बताइए, देखिए, यूटाहान जो ग्रेट साल्ट है अमेरिका का, इसके बारे में बता दें, इसकी कितनी है? क्योंकि अब आप लोग यहाँ भी पूछ रहे हैं तो इसका भी जान लें, 220 ग्राम प्रति 1000 ग्राम, ये भी जान लीजिएगा। तीनों चारों मैंने व्याख्या कर दिया। सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। अगर आज की क्लास आपको बेहतर लगी हो, अगर आप लग रहा है इससे सिलेक्शन होगा, ठीक, इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। और किसी के मन में कोई सवाल, कोई प्रश्न हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथियों से है कि वीडियो को शेयर करिएगा, चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर जगह दीजिएगा और अपने व्हाट्सएप समूह में जो भी आपके साथ तैयारी कर रहे हैं। और एक बात और, अगर आपको लगे इससे बेहतर कोई पढ़ा रहा है तो चैनल को छोड़ दीजिएगा, और लग रहा है नहीं तो डेली टाइम से लाइव आ जाइएगा, क्योंकि रेस के घोड़े ना हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप रेस के घोड़े हैं, अभी की बार एक सीट हमार, क्योंकि इस सीरीज को पूरा खत्म होने के बाद विश्व भूगोल के वो चुनिंदा प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, ताकि आपकी गलती ना होने पाए। और सिलेक्शन का मतलब वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सही करना। कल मिलते हैं फिर इसी टाइम पर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। और एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा ई लर्निंग विद दुर्गेश से, और मेरी क्लासेस निःशुल्क आपको रहेंगी, नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं घर बैठे, क्लास भी। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। सभी क्लासेस मिलेंगी, डेली मिलती हैं, तो उसके लिए ज्वाइन करिए नहीं लेने में दुर्गेश पर। टेलीग्राम पे सभी लोग जुड़िए, सभी लोग टेलीग्राम, जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, अपने सभी साथी मित्रों को लिंक दे दीजिएगा। बाय बाय। देखिए टाइमिंग वगैरह सब बता दिया, जो डेली क्लास में रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।